चीज आज ही का दिन होना था। प्यारी बहना के लिए गाना तैयार किए हैं तो थोड़ा सुनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। पता नहीं कोई कोई तो बोल रहे कि 11 को भी रक्षाबंधन है और 12 को भी है। हाँ बेटा, सुबह से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब किया हुआ है कि मेरी ननद बेचारी आ नहीं पा रही है। और हम लोग दो जगह रहते हैं, भैया लोग रहते हैं आदितपुर में और ये रहते हैं गम्हरिया में, ते भी नहीं जा पा रहे हैं। और कल मोबाइल बनवाने जाना था लेकिन गए नहीं, कल भी मौसम ख़राब किया हुआ था। लेकिन आज मजबूरी बोलिए या ज़रूरी बोलिए, रेनकोट पहन कर बेचारा गए हैं, तब भी ठीक नहीं था, फिर भी गए हैं मोबाइल बनवाने। और मैं तो अपने मायके नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि अभी प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से, और थोड़ा दूर भी है, 12 घंटा का सफ़र है। और मेरी बहन भी यहाँ पे है, लेकिन मेरा भाई लोग को राखी बांधने वाला है और भी बहन लोग हैं, तो उन लोग राखी बांध दी है, लेकिन हम सुबह से बात भी नहीं किए हैं। और एक बात की, कल रात से लाइन कटा हुआ है, टंकी में पानी भी नहीं है और 4 दिन से गैस ख़त्म है। हम लोग कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं, गैस वाला के पास फ़ोन कर रहे हैं, तो आज मुहर्रम है तो कल गोदाम में गैस नहीं है, तो ये आज रक्षाबंधन है। पता नहीं कल हम इनको मना कर रहे थे, फिर भी ज़बरदस्ती जाकर छोटा वाला गैस 2 KG भरवाए हैं, तो आज काम आ रहा है, नहीं तो बाहर से मंगा कर खाना पड़ता है। और क्या करते, सारा चीज़ आज ही का दिन होना था। टंकी में पानी नहीं है, लाइन भी नहीं है, मेरा मोबाइल भी रिचार्ज नहीं है, कहीं हम बात नहीं कर पा रहे हैं। और इनका फ़ोन रिचार्ज भी है तो इनका फ़ोन ख़राब है, अभी गए हैं बनवाने और रिचार्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इन्हीं का अकाउंट में बैलेंस है, तो इन्हीं का फ़ोन से रिचार्ज होगा। अभी बना कर आएंगे तो शायद रिचार्ज करेंगे, देखते हैं क्या मौसम करता है। शाम तक अगर ठीक मौसम करेगा तो जाएंगे राखी बंधवाने, नहीं तो फिर सिर्फ इन्हीं को अकेले भेजेंगे, और क्या कर सकते हैं। छोटा बच्चा को लेकर जाना पानी वानी में ठीक नहीं है, ये तो रेनकोट भी पहन कर जा सकते हैं। इनकी बहन आएंगे तब तो वहाँ भी बारिश हो रही है, जब बारिश ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे, दिखाते हैं क्या होता है, जाते हैं राखी बंधवाने कि नहीं जाते हैं। फ्रेम जी गए थे मोबाइल बनवाने लेकिन बना नहीं, क्यों नहीं बना मोबाइल? अभी डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, शाम में मिलेगा। देखिए रेनकोट पहन के और पूरा एकदम पानी में भींगी हुई है, ये आकर बोल रहा है तबीयत खराब नहीं है, फिर भी तबीयत खराब नहीं, पापा से गले लग रही, क्या कर रही है बेटा? जो बगल मैदान है उसमें फुटबॉल हो रहा है, बारिश में ही इन लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। शायद आदिवासी लोग का नियम रहता है रक्षाबंधन में 2 से 3 दिन ये चलते रहता है। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी शाम का टाइम 5 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं आदितपुर। मैंने सोचा था कि साड़ी वगैरह पहनेंगे लेकिन मौसम की वजह से कुछ नहीं किए, जैसे तैसे सूट वगैरह पहने। और मौसम भी देखिए अभी कुछ ठीक किया हुआ है, इस वजह से जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ पे देखिए भूखड़ आदमी, इन लोग दोनों आते आते इन लोगों का खाना चल रहा है। क्या है खाना में? खीर पूरी सब्जी। रिंकी पहनी हुई है जींस। बेटी कितना खुश है, क्या खा रही है बेटा? पापा को खिला रही है। देखिए भाभी के हाथ से इनको खाना बनकर मिल रहा है, पूरी दीदी यहाँ पे पूरी छान रहे हैं और यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, गर्मा गर्म पूरी और खीर सब्जी। प्रेम जी का बहन आ गए, यानी मेरी ननद जी, बड़ी हमसे तो बड़ी है। हाय बोलिए दीदी, इनसे तो मुलाकात नहीं हुआ है। और इधर है मेरे जीजा जी, क्या बोले नंदो से ये बिल्ली के साथ पूरा मस्ती कर रही है। नैना सुहानी जो कि आप लोग को पता ही है, ये तो मेरे यहाँ गए थे तो मुलाकात हुआ ही है। और इधर है मेरे पापा जी, पापा आप हाय बोलिए पापा पहली बार वीडियो में, नहीं पहली बार नहीं, एक बार और आए थे वीडियो में चैलेंज में। सागर जी अभी मोबाइल के लिए जा रहे हैं क्योंकि शाम को ही बोला था देने के लिए। और अभी मंजला भैया भी नहीं आया है, वो आएंगे तभी राखी बंधाएंगे तीनों भाई मिलकर। यहाँ पे बड़े भैया अपनी प्यारी बहना के लिए गाना तैयार किए हैं तो थोड़ा सुनाएंगे। और यहाँ बहन जी खाना खा रहे हैं, स्टार्ट कीजिए भैया। ये
अभी रात का टाइम 8 बज रहा है और अब शुरू हो रहा है राखी बांधने का। तो सबसे पहले अंबर और आकाश का राखी बांध रहे हैं क्योंकि उन लोग छोटा हैं और अभी अंश नहीं दिख रहे होंगे, वो नानी के यहाँ गए हैं। और यहाँ पर नैना सुहानी दोनों बहन राखी बांधेंगे दोनों भाई का, और मेरी बेटी भी है लेकिन वो भी बांधेगी, वो लास्ट में बांधेगी, बहुत छोटी है। और इन लोग आरती दिखा रहे थे तो अंबर हंस रहे थे। अब आता है मेरी बेटी को बारी राखी बांधने का। इसे नींद आ रही थी लेकिन फिर भी सोचे कि बंधवा देते हैं। तो मेरी बेटी भी पहली बार राखी बांध रही है, ये तो परेशान कर ही रही थी, सिर्फ इसका हाथ से लेकर राखी रखवा दिए इनके इन लोग के हाथ पे, और बाकी नैना सुहानी इन लोग को राखी बांध देंगे यानी टाइट कर देंगे। और देखिए मिठाई खिला रहे हैं, तो देख रही थी और डर भी रही थी, रोने जैसा कर रही थी। अब बारी आता है मेन भाई बहन का प्यार। तो यहाँ पे तीनों भाई हैं, बड़े भैया, मंझले भैया और सागर जी। तीनों भाई एक साथ ही हर साल राखी बंधवाते हैं, चाहे कितना भी लेट हो जाए, एक दूसरे का इंतज़ार भी करते हैं। और अच्छा लगता है जब सब भाई एक साथ राखी बंधवाते हैं और बहन भी खुश होती है। और दोनों भाई का राखी बंध गया है और इनका बांध रहे हैं। हर साल दीदी रात को ही राखी बांधते हैं क्योंकि मंझले भैया को छुट्टी नहीं मिलता है ऑफिस से, और डिंपल दी भी अपना मायके चले गए हैं। जाने भर में हम लोग दोनों गोती नहीं गए हैं, बड़ी वाली दीदी और हम नहीं गए हैं। चारों भाई बहन फोटो खिंचवा रहे थे ताकि यादगार रहे और थंबनेल भी लगा सके। और दोनों भाई यहाँ पे गूगल पे कर रहे हैं, इन लोगों के पास कैश नहीं था लेकिन एक कुछ कैश दिए हैं और कुछ गूगल पे किए हैं। हम लोग आ गए हैं घर, अभी रात 10:15 बज रहा है। शादी के बाद एक बार राखी बांधने गई थी अपना मायके, और 3 साल तो नहीं गए, इस बार भी प्रेग्नेंट थे, मतलब कुछ कुछ सिचुएशन आ जा रहा था इस वजह से नहीं जा पा रहे थे। शायद अगले साल मिस नहीं होगा, अगले साल ज़रूर जाएंगे रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।